बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एन पी ओवर जॉब जेम्स के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एसएस केमिस्ट्री का पेपर है फीमेल का, जो कि कल ही केपीएससी के ज़रिए हुआ है, यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। इस एक वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल विद इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? एक में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। इंक्रीज ए लॉन्ग द पीरियडिक विद फ्लक्चुएशंस, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दो को देखते हैं कि फॉलोइंग इज अ चेल्कोगेन, तो टू में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, डी ई। क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं कि फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोगेन, तो करेक्ट आंसर क्या आता है? तीन में ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, एस। क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं कि फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फोर में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है, एच ई। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं कि डी एस पी की पावर क्यूब इज नोन बाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो फाइव में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ट्रिगोनल बिपिरामिडल, इस तरह कुछ है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि एस पी क्यूब इज नोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो सिक्स में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं कि डी स्क्वेयर एस पी क्यूब इज नोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो करेक्ट आंसर क्या आता है? सेवन में ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, सेवन में करेक्ट आंसर क्या आता है? सॉरी, इसमें नहीं है, ये है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट को देखते हैं कि एन ऑक्टेहेड्रल कम्प्लेक्स हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो एट में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, एट। नाइन नंबर क्वेश्चन है कि अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, तो नाइन में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन। दस नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ एनएसीएल इज, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए आता है, एफसीसी। क्वेश्चन नंबर अलेवन है कि बी आर हैज आ, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आता है? अलेवन में जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि फॉलोइंग इज द लोवेस्ट सिमेट्री स्ट्रक्चर, तो ट्वेल्व में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, ट्रिक्लिनिक। क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि विच आर द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड्स इज मोस्ट प्रोन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस, तो थर्टीन में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है कि विच आर द फॉलोइंग डिटेक्टर इज नॉट कॉमनली पेयर्ड विद जी सी, फोर्टीन में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच आर द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रल पॉलीबोर्नर हाइड्रेट केट कंपाउंड्स, तो 15 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पावरफुल इलेक्ट्रोफिल्स एक्सेप्ट, 16 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, PH3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एन रिएक्शन ऑन ए केरल सेंटर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और मस्ट रिजल्ट इन अ प्रोडक्ट विद अ कॉन्फ़िगरेशन दैट इज, 17 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि व्हाट इज द बाउंड ऑर्डर ऑफ HE2, तो 18 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, 1/2। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द बर्न ओपन हेलमर अप्रॉक्सीमेशन नेगलेट्स, तो 19 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, न्यूक्लियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द स्टेरन गैरलेज एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो 20 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हार्मोनिक ऑस्कुलेटर इज यूज इज अ मॉडल फॉर, 21 में करेक्ट आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी इसमें भी करेक्ट आंसर है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द
intermolecular forces in benzene at room temperature can be described as, so 22 correct answer is option D is correct answer, all of the mentioned. नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे. साइंस नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ ए मेमेलियन सेल. तो 23 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, एसिडिक क्लोराइड. क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं. 24 नंबर क्वेश्चन है, ये एक इक्वेशन दी हुई है और इसको जो है, ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इन विच टू कंडक्ट द रिएक्शन शोन अबव. 24 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गवर्न्ड बाय बेयर लैम्बर्ट लॉ. तो 25 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26 के 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर जो होता है ये कितने के बराबर होता है, तो 26 इज करेक्ट आंसर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. क्वेश्चन नंबर 27 है कि फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. तो 27 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज. 28 नंबर क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इज, इसका वेट कितना होता है NaOH का, तो 28 करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है 40 kg. क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1000 ppm ऑफ NaOH सॉल्यूशन वुड कंटेन NaOH एज. तो 29 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 30 है कि ग्रेविमेट्रिक टेट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टेट्रेशन वेयर द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट. तो 30 में जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, मास. क्वेश्चन नंबर 31 है के एन आर्जेंटोमेट्रिक टेट्रेशन मस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग आयन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइन बाई. तो 32 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक. क्वेश्चन नंबर 33 है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन अदर नेम ऑफ. 33 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. क्वेश्चन नंबर 34 है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन अदर नेम फॉर. 34 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. 35 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर सरफेस टेंशन. तो 35 करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 36 है कि ब्रेक्स लॉ इज, तो ब्रेक्स लॉ क्या है, 36 में दो जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. 37 नंबर क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, तो साइंस का करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी है, न्यूटन पर मीटर है. 38 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच प्लस पीओएच, तो 38 का जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, 14. क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग डिवाइस टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी. तो 39 में करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है, फ्यूल सेल. क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ. तो 40 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है. 41 नंबर क्वेश्चन है कि द काइनेटिक गैस इक्वेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन. तो 41 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है. 42 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मॉलिक्यूल्स इन. तो 42 करेक्ट आंसर क्या आता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है. 43 नंबर क्वेश्चन है कि द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गैस इज. तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ऑप्शन ए आता है. 44 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन. तो करेक्ट आंसर क्या आता है, 44 में जो करेक्ट आंसर आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 के कॉमन नेम ऑफ एस्क्रोबिक एसिड इज. 45 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आता है, विटामिन सी. तो फ्रेंड ये था पेपर, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.